किसी से बात कीजिए, मुझे पूछिए क्या हमारा वीनू जिंदा है। आनंदी बाहर है नागपुर से, आ जाने तो उनको, मैं खुद ही बात करूंगा उनसे। आपको कैसे पता कि वो इस वक्त नागपुर में नहीं है? आपको पता है बड़ा, आपके ईमानदार और ऑनेस्ट बाबा आजकल क्या कर रहे हैं? सबसे झूठ बोलते हैं। सही से झूठ बोला है मैंने? सही से? आपकी असली आई से? वो बेचारी अपने वीनू को ढूंढने के लिए दर दर भटक रही है। पर मैं फिर भी उसे नहीं बता पाऊंगा कि जिसे वो हर जगह ढूंढ रही है वो वीनू उसकी आंखों के सामने ही है। बाकी से भी झूठ बोला मैंने। आपकी मम्मा से सच नहीं बताया कि मैं सही से मिला था? क्योंकि अगर सच बता देता तो वो सवाल पे सवाल पूछती और ये बात सबके सामने आ जाती कि आप मेरे गोद लिए हुए बेटे नहीं बल्कि हमारे अपने वीनू हो। सही, और मेरा वीनू किस्मत भी न जाने ही कौन सी दुश्मनी निकाल रही मेरे साथ। पहले मुझे मेरे बच्चे से दूर किया, बरसों तक उसकी जुदाई के गम में तड़पाया, और अब जब मुझे पता चल चुका है कि आप ही मेरे बेटे और शुरू से ही मेरी आंखों के सामने थे, मेरी बेबसी तो देखो, इस बात का जश्न मनाना तो दूर, मैं किसी को बता भी नहीं सकता। आपको भी नहीं बता सकता मैं कि आप मेरे अडॉप्टेड बेटे नहीं, मेरा खून हो, मेरा वीन हो। सॉरी बड़ा। वीनू, वीनू क्या हुआ, ठीक हो? कोई बुरा सपना देखा बाणा? हाँ बाबा, मैंने एक बुरा सपना देखा। मैंने देखा कि डॉक्टर आंटी रो रही थी और वो जोर जोर से मेरा नाम चिल्ला रही थी। ऐसा लग रहा था वो मुझे ही ढूंढ रही थी, और मैं डॉक्टर आंटी के सामने ही था लेकिन वो मुझे देख ही नहीं पा रही थी। मैं बार बार उनको बोल रहा था कि मैं उनका ही वीनू हूँ, लेकिन वो मुझे सुन भी नहीं पा रही थी और देख भी नहीं पा रही थी। कोई बात नहीं, बुरा सपना ही था ना, सो जाओ। बाबा, मैं एक बार डॉक्टर आंटी से बात कर लूं क्या? प्लीज, मुझे जानना है कि वो ठीक है या नहीं है। बड़ा माँ, बड़ा अभी बहुत रात हो चुकी है ना, और इतनी रात गए किसी को डिस्टर्ब करना अच्छी बात नहीं होती। कल तक वेट कर लोगे? अभी सो जाओ। लेकिन बाबा, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे थे? ऐसे ही देखने आया था कि आपकी शक्ल अपने बाबा से मिलती है या अपनी आई से। मेरी शक्ल किससे मिलती है, आपसे बाबा या मम्मा से? लेकिन बाबा, मुझे तो डॉक्टर आंटी के जैसा बनना है, फिर मेरी शक्ल डॉक्टर आंटी से मिलनी चाहिए। मेरी और डॉक्टर आंटी के तो नाक भी सेम सेम है ना?
सो जाओ। मुझे माफ कर देना बाड़ा, मैं आपसे इतनी बड़ी बात छुपा रहा हूं। मैं आपको नहीं बता सकता कि जिसे आप अपनी डॉक्टर आंटी समझते हो वही आपकी असली आई है। अपने मजबूर बाबा को माफ कर देना। बस बाबू बस। थैंक यू, बाय। पाड़ा, आपके बाबा नहीं आए आज आपको छोड़ने? नहीं, मुझे आज मेरी मम्मा छोड़ने आई है। डॉक्टर आंटी, आपको पता है कल रात मुझे एक बहुत ही बुरा सपना आया। वहाँ पे आप रो रहे थे, मैं आपके सामने ही खड़ा था, लेकिन आप बार बार मेरा नाम ले रही थी। मैं आपको बोल रहा था कि मैं यही हूँ, लेकिन आप मुझे सुन ही नहीं पा रही थी। मैं आपको कब से बुला रहा था। माड़ा, ऐसा हो सकता है कि मेरा वीनू मुझे पुकारे और मैं ना सुनूं? वही तो। बेटा जाओ, अभी स्कूल का टाइम हो गया। बाय बाय। मिसेस अवान, आप यहाँ वीनू को स्कूल छोड़ने क्यों आए? आपको घर पे रुक के आराम करना चाहिए था। घर में मुझे थोड़ी घुटन सी हो रही थी, तो सोचा कि मीनू को स्कूल छोड़ने के बहाने मेरा थोड़ा घूमना भी हो जाएगा। तुम्हें ये चोट कैसे आई? वो कल रात को कुछ कर रही थी तो लग गई। विराट ने पट्टी बांधी है क्या? उसे पट्टी बांधना नहीं आता। वो एक हेलो विराट, आप कहाँ पर हो? आप कब से आपका इंतजार कर रही हो? मैं यहाँ सभी को स्कूल छोड़ने आई थी, मुझे लगा आप वीनू को यहाँ छोड़ने आएंगे, मैं आपसे यहाँ बात कर लूंगी, लेकिन आप तो आए नहीं। मुझे आपसे पूछना था। खैर छोड़िए, आप बताइए, आपकी बात हुई आनंदी जी से? क्या कहा उन्होंने, कुछ पता चला? सही, मुझे बोलने तो दो। इसी की तहकीकात कर रहा था मैं और वो खत्म भी हो चुकी है। जो कुछ भी मुझे पता चला है वो मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ, लेकिन ऐसे फोन पर नहीं, मैं खुद तुम्हें मिलकर बताऊंगा। कहाँ हो तुम? बोला ना, सभी को स्कूल छोड़ने आई थी। अच्छा ठीक है, तो वहीं स्कूल के पास जो कैफे है वहीं मिलकर बताता हूँ, ठीक है? हाँ मैम, मैं आती। सही, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था, वो सारी तहकीकात मेरी पूरी हो चुकी है और जिस बच्चे का उस येलो चिट में जिक्र हो रहा था उसके बारे में मैंने सब कुछ पता कर लिया है। उसका नाम वीनू ही है। वो हमारा वीनू है? हाँ, बोलो ना विराट, वो हमारा वीनू है। बता रहा हूं, सब बता रहा हूं। सही,
जब मैंने उस बच्चे को ट्रेस किया तो मुझे ये पता चला कि वो बच्चा बाल अनाथ आश्रम में उसी साल में आया था जब हमारा तो कुछ साल बाद नागपुर में ही रहने वाले एक कपल है, मिस्टर एंड मिसेस शेषाद्री ने उसे गोद लिया था। मैं उस बच्चे से मिला भी हूं सही। एक मिनट, ये वही है। नहीं सही, ये हमारा वेनू नहीं है। इसका नाम अब कार्तिक शेषाद्री है। ये देखो, इसके हाथ पर ये निशान देख रही हूं, जन्म से ही है उसे। और हमारे वीनू के हाथ में ऐसा कोई बदमाश नहीं था ना सही? और दूसरी बात, ये जो मिस्टर मिसेस शेषाद्री है, ये लोग जो हैं, इन लोगों ने मुझे बताया कि जब ये लोग इस वीनू को गोद लेने गए थे तब उसके हाथ में एक ब्रेसलेट थी। हमारे वीनू को तो हमने कभी कोई ब्रेसलेट नहीं पहनाई है ना। ये देखो, सही, जब मैंने और तहकीकात की तो मुझे ये पता चला कि इस वीनू के आए बाबा कार में एक्सीडेंट हो गया था और उसमें गुजर गए थे। और जिस बस के साथ उनकी कार टकराई थी वो नागपुर से गढ़चिरौली जा रही थी। सही है, बस एक्सीडेंट का विक्टिम नहीं है, कार एक्सीडेंट विक्टिम है। समझ रही हो ना तुम मैं क्या कह रहा हूं? तुम जिस दिशा में बहनों को ढूंढने निकली हो उसमें हमें निराशा के अलावा और कुछ नहीं मिला है। सही,
मैम सर आप रहने दीजिए, हम लोग कर लेंगे, प्लीज आप बैठ जाइए ना। सही, बस चलो मीस। शांत जो ठीक हो तुम? क्यों विराट मेरे साथ ऐसा ही होता है? फिर से मेरे साथ ऐसा ही हुआ। हाँ, पहले भी वीनू को लेकर मैंने कम तकलीफें झेली थी क्या? पापा मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैंने जब पहले वीनू को खोया था आप मेरे साथ नहीं थे विराट, मैं पूरी तरीके से टूट गई थी। मैं टूट गई थी और मुझे दोबारा वही दर्द क्यों बर्दाश्त करता है? क्यों? सही सही, प्लीज संभालो खुद को, रोना बंद करो प्लीज। क्यों क्यों होता मेरे साथ ऐसा? इतना दर्द इतनी तकलीफ क्यों झेलनी पड़ती है मुझे? बोलो ना पापा को, बोलो कि मैं पत्थर रही हूँ, मुझे भी दर्द होता है, मुझे दर्द होता है विराट, मुझे बहुत दर्द होता है। आपने मुझे घर छोड़ने से क्यों नहीं रोका? क्यों नहीं रोका विराट? आपने मुझे क्यों नहीं रोका? मुझे क्यों जाने दिया? अगर आप मुझे रोक लेते तो हमारा मीनू जिंदा होता, हमारा मीनू जिंदा होता। हाँ मोहित, मैं इधर कैफे वाली गली में खड़ी हूँ, तुम जल्दी से आ जाओ, वेट कर रही Enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.